चालाक कौवे की कहानी। एक गांव में पीपल का एक पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। रात भर सारे कौवे उस पीपल के पेड़ पर आराम करते और सुबह होते ही खाने की तलाश में उड़ जाया करते थे। एक दिन की बात है, सुबह होते ही सारे कौवे खाने की तलाश में उस पीपल के पेड़ से उड़ गए। मगर एक कौवा सोता रहा। जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि सारे कौवे खाने की तलाश में जा चुके हैं। अब वह भोजन की तलाश में गांव की तरफ निकल दिया। उसे कहीं पर भी खाना नहीं मिला। परेशान होकर वह एक छत पर जाकर बैठा। वहां पर उसे अच्छे पकवान की खुशबू आई। खुशबू वाले रास्ते पर जाकर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत पूरी बना रही है। वह कौवा पूरी को पानी की चाह में नीचे गया। मगर वहां पर एक कौवा पहले से बंधा हुआ पड़ा था। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम्हें भी पूरी को चुराने की कोशिश करोगे तो मैं तुमको भी इसकी तरह बांध दूंगी। बूढ़ी औरत की ये बातें सुनकर वह कौवा डर गया। कुछ देर बाद उसे एक तरकीब सूझी। वह कौवा दीवार के पीछे जाकर एक बच्चे की आवाज में बोला, दादी आप कहाँ हो, जल्दी आओ। वह बच्चे की आवाज सुनकर बूढ़ी औरत वहां से चली गई। उस बूढ़ी औरत के वहां से जाते ही चतुर कौवे ने अपने मुंह में ढेर सारी पूरी को दबाकर आसमान में उड़ गया और घोंसले में जाकर उनको रख कर मछली से खाने लगा। इस तरह से उस कौवे की चालाकी से बहुत सारा खाना उसने पा लिया और उसे अपने घोंसले पर मजे से खाने लगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।